जनपद कानपुर देहात पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब फरार चल रहे एक इनामिया अपराधी पुलिस के हत्थे लगा। पुलिस ने गिरफ्तार इनामिया को जेल भेजा। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए इनामिया अपराधी पर जनपद कानपुर देहात के कई थानों में संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। दरअसल राजपुर थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब गैंगस्टर एक्ट से फरार चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी जनपद इटावा के थाना बकेवर क्षेत्र के लालपुर गांव के रहने वाले अंकुल बाबू दोहरे पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस के गिरफ्त में आए अंकुल बाबू दोहरे पर जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा डेरापुर व अकबरपुर थाने में आधा दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने अंकुल बाबू पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने के साथ 25,000 का इनाम घोषित किया। इसके बाद से अंकुल फरार चल रहा था। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम अंकुल बाबू की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी। इसके चलते आज पुलिस को कामयाबी मिली। राजपुर थाना पुलिस ने अंकुल बाबू को धर दबोचा। पुलिस टीम की कामयाबी पर पुलिस अधिकारियों ने जमकर तारीफ की है। ये थाना राजपुर क्षेत्र में एक गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत था। थाना अध्यक्ष राजपुर के द्वारा इस पे 25,000 का इनाम घोषित कराया गया था। इस संबंध में पिछले एक साल से इसके तलाश थे। ये अंकुल दोहरे नाम का अभियुक्त जो इटावा जनपद का रहने वाला है, ये चोरी प्राय चोरी करता था और इस चोरी के मामले में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। गैंगस्टर में एक साल से फरार था, इसको गिरफ्तार किया गया है। नियमानुसार इसको जेल भेजा जा रहा है। कोई गिरोह है क्या इन लोगों का जो इस जनपद में आके चोरी करते हैं? ये पहले 2020 का मामला है। उस संबंध में चोरों का गिरोह था, उसमें गिरोह में अन्य अभियुक्त पहले जेल जा चुके थे। ये वांछित चल रहा था, इसको जो है कल शाम को थानाध्यक्ष राजपुर द्वारा गिरफ्तार किया।